तब लिया है सरकार ने 16 जनवरी में परिसीमन का कार्य पूरा कर दिया है, आरक्षण का काम प्रारंभ हो गया, जिला पंचायतों के अध्यक्ष का आरक्षण जारी हो गया। सर अब पंचायत चुनाव भी होंगे और किसान आंदोलन भी है, क्या आपको लगता है आपकी पार्टी इसमें अच्छी तरह जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता की सक्रियता और संपर्कों के आधार पर चुनाव लड़ती है। इस बार पंचायतों में भाजपा ने जो 4 साल में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किए हैं उन कामों के आधार पर और अपनी सरकार के अपने कार्यकर्ता के सक्रियता और उसके संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमें विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपके चुनाव में? हाँ जी, पंचायत चुनाव के वजह से चुनावों में देरी की है। हाँ निश्चित रूप से कोरोना जैसी जो समय से जो चुनाव में विलम्ब हुआ है उसके कारण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। पुरानी घोषणा है मेडिकल कॉलेज की और हाथरस में आपके रहते हुए एक लगभग लंबा समय हो गया आप प्रभारी मंत्री हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? उसमें कुछ जमीन को लेकर समस्या है और हम लोग उस जमीन पर प्रस्ताव दोबारा मंगवाया है और कैबिनेट जल्दी उस पर निर्णय करके करेगी, घोषणा में है और उसका समय से पहले उस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। आज सर बजट पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, सरकार ने जो बजट ये व्यवस्था की है, सरकार ने जो लोक कल्याण के लिए बजट पेश किया है उसकी चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आपने सर सीनियर सिटीजन की भी बात करी थी कि सीनियर सिटीजन को टैक्स फ्री कोई रिबेट दे देंगे 75 साल, लेकिन पेंशन और ब्याज इसमें ही छूट दी जा रही है। अगर किराएदारी है, बिजनेसमैन है, वो अगर 75 साल से ऊपर का उसको कोई रिबेट नहीं है तो ये सरकार का क्या लॉलीपॉप ही हुआ? नहीं, लॉलीपॉप नहीं है, सरकार ने सभी वर्गों के लिए, समाज के सब क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स में छूट की व्यवस्था की है। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं।